नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम लौकुश है और फिलहाल हम लोग एक गांव में हैं। एक पलटू छतनी गांव है, नौबतपुर प्रखंड का एक गांव, और आज हम लोग यहां पे काले गेहूं की खेती देखने आए हैं। जैसा आप सब जानते होंगे, आवाज़ एक पहल के माध्यम से हम लोग बिहार में नए नए प्रयोग करते रहे हैं, उसी प्रयोग का एक हिस्सा है काला गेहूँ। और पिछले साल बहुत लोगों ने बिहार में शायद पहली या दूसरी बार काले गेहूँ की खेती की थी। इस गाँव में राजीव जी हैं जिन्होंने इस खेती को किया है। राजीव जी, आप थोड़ा जो आपने जो खेती किया है, क्योंकि ये नवीन खेती है जिसके बारे में कम जानकारी है लोगों को, समाज के जो हमारे किसान भाई हैं मुश्किल से शायद 1% लोगों को भी जानकारी होगी या नहीं होगी, नहीं हो पाई, तो कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया कि काला गेहूं का खेती करना है? हमने आपसे तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं जी, और आप ही से हमने जाना जी। ये बीज मेरे पास उपलब्ध है और आप लगाइए, आपकी प्रेरणा रहा। हाँ। कि आज हमारे खेत में फसल दिख रहा है। बिल्कुल। तो और जहाँ तक रहा खेती के बाद, खेती तो कई साल से कर रहे हैं। बिल्कुल। हमको लगा कि कुछ अलग हटके करें। हाँ। तो नई सोच के साथ नई खेती। बिल्कुल। नया जनरेशन के साथ नया खेती। बहुत अच्छा बात इन्होंने बोला कि नई सोच के साथ नया खेती। अगर सोच बदलेगा तो समाज की तस्वीर भी बदलेगी, सबकी तकदीर भी बदलेगी। खेती, इसका जो खेती का प्रक्रिया है और जो सामान्य गेहूं का खेती का जो प्रक्रिया है, कितना अंतर या कितना समानता है? दोनों बिल्कुल समानताएं हैं। सेम टू सेम। अच्छा, आपकी बुवाई करने की क्वालिटी, यही बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है इसको, कि नवंबर तक आप लास्ट बुवाई कर जी। बहुत सारे किसान भाई इस बात को गौर करेंगे, बहुत सारे किसान भाई इसको दिसंबर या जनवरी तक लगाते हैं, तो जो किसान भाई दिसंबर और जनवरी में लगाए उनका फसल बहुत ख़राब होगा। राजीव जी ने अपना फसल नवंबर में लगाया है, इनका फसल अच्छा है जी। और इसके अलावा भी कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? दवा हुआ सेम प्रयोग, सब कुछ सेम सेम। अच्छा, सोच तो है आगे कि इसको बिल्कुल दवा मुक्त, खाद मुक्त उत्पादन करें जी। बिल्कुल, मतलब ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जी। तो आपने जो खेती किया पिछले बार भी, आप एक काफ़ी प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और आप हमेशा गाँव में प्रयोग करते रहते हैं। पिछले बार भी आपने ब्लैक राइस का खेती किया था, अभी आप ब्लैक व्हीट का खेती कर रहे हैं, अगले साल आपने जैसा बताया कि आप ब्लैक ग्राम का खेती करना चाहते हैं जी। तो आप जो खेती कर रहे हैं, तो आपसे कितना लोग जुड़ते हैं, कितना लोग जानना चाहते हैं, कितना लोग उसको अनुकरण करते हैं, आपसे सीखकर खेती करते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। आजू बाजू के दो चार गांव के लोगों को आपको मिलवाए भी हैं जी, जो आपसे बीज लिए। बिल्कुल। तो सोचिए कि कैसे लोग जुड़ रहे हैं, एक अच्छा प्रभाव माहौल बन रहा है। हाँ, खेती के बारे में तो अच्छा प्रभाव है। बाजू के गाँव हैं, कंचनपुर है, वहाँ पर खेती है, जिनपुरा में खेती इसका है, सब लोग आपसे कनेक्टेड, सब जुड़ा हुआ लोग। बिल्कुल। जैसा देख रहे हैं, राजीव जी ने पहले अपना एक रिक्स लिया, इनसे सीखकर बहुत सारे लोगों ने ब्लैक व्हीट का खेती किया है। अगर आप चारों तरफ कैमरा को घुमाएंगे तो हर जगह आपको नॉर्मल व्हीट की खेती दिखेगी, लेकिन यहाँ पे जो एक छोटा सा खेत का प्लॉट है, इसमें ब्लैक व्हीट का खेती किया गया है। और बहुत ही, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लागत लगाना पड़ा, ऐसा नहीं कि इसमें कोई कीट का अटैक हो गया, नहीं, जो है तो सामने दिख रहा है आपको फसल, सामने ना दवा का प्रयोग जी, ना कोई किसी तरह का। और तो लोग आज के किसान 5 kg 7 kg खाद देते हैं, ऐसा भी कोई जरूरत नहीं कि उसको 7 kg खाद ही देंगे तो अच्छा फसल होगा। बिल्कुल। कम से कम खाद में तो जो सामने फसल वो दिख रहा है आपको। तो राजीव जी की बातों से जैसा लगा कि अगर आप खेती में नए नए प्रयोग करते हैं, अगर आप खेती में रिस्क लेते हैं, तो ये बेहद लाभकारी न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके गाँव के लिए, आपके समाज के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। और एक बहुत ही सुखद तस्वीर जो गांव की निकल कर आ रही है कि हम लोग का जो आवाज़ एक पल, जब से हम लोगों ने शुरू किया था, हमारी मंशा थी कि पढ़े लिखे लोग इस खेती में आए ताकि उन्हें खेती की समझ हो, मार्केटिंग की समझ हो। और आज जो बड़ा सा किसान वर्ग खेती छोड़ रहे हैं, उसके लिए फायदे का सौदा। बिल्कुल। तो अगर आप इन तरह की चीज़ों, फसलों का खेती करते हैं, तो बेहद लाभकारी सिद्ध होगा आप सबके लिए। खेती की तस्वीर बदलेगी, गाँव की तकदीर बदलेगी और हम सब बेहद संपन्न होंगे। बहुत संख्या में लोग पिछले लॉकडाउन में और आज के समय में गांव में वापस लौट रहे हैं, और आवाज़ एक पहल से या अन्य संस्थाएं जो खेती के लिए काम कर रही हैं उनसे संपर्क करते हैं। तो हम सब मिलजुल कर एक खेती के लिए बिहार में काफ़ी पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर रहे हैं और ये आने वाले समय में बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ऐसा हमारा उम्मीद है। आज हम लोग ब्लैक व्हीट को देखने आए थे। ब्लैक व्हीट, आपको बता दूँ एक दो लाइन में, कि ब्लैक व्हीट आयरन और जिंक समान गेहूँ के मुकाबले ब्लैक व्हीट में ज़्यादा होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होता है, ये शुगर और मोटापे के लिए काफ़ी बेनिफिशियल माना गया है, और किसान भाई इसका सेम लागत में खेती कर सकते हैं लेकिन इसमें इनकम ज़्यादा होगा। तो इस तरह के आप बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं खेती में,
आपको इनकम ज़्यादा होगा, ब्लैक राइस लगा सकते हैं, अन्य चीज़ों का भी खेती कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कभी जल्द मिलेंगे।